सो वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि सेकंड जो हमारा जो वीडियो है बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्या हम लोग इसमें देखने वाले पैराग्राफ। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो फुल वॉच नहीं किया है तो फुल वॉच कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मैंने H1 एक टैग लेके इसमें बिना बॉडी और हेड के इसको क्लोज किया था। स्टार्टिंग हमारी कुछ अलग थी, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ स्टार्टिंग से फिर से क्या कैसा है। तो इसके अंदर हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको कंट्रोल एक्स, हम लोग हमारा नॉर्मल लिखते हैं HTML, और इसके बाद हम लोग लेते हैं हेड, और इसके बाद हम लोग इसमें लेते हैं एक टाइटल। टाइटल का हम लोग नाम डालेंगे दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो टाइटल का टैग भी बंद कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग ने हेड लिया है, तो हेड भी हम लोग करेंगे क्लोज। ठीक है, फिर हम लोग का क्या है बॉडी। बॉडी के अंदर ही हम लोग मोस्टली सब लिखते हैं, तो हम लोग ने लिखा बॉडी, और बॉडी के अंदर अभी हम लोग को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ का टैग आप लोग देख लो एक बार, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आपको सिंपल सा P लिखना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जाते हैं गूगल में, और गूगल से हम लोग कुछ भी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग गए गूगल के अंदर क्रोम में, तो क्रोम में हम लोग नॉर्मल एक चीज़ लिखते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ हम लोग ने कुछ भी जैसे कैसे सर्च कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक चीज़ लिख बन के आई है। तो मैं इसमें से काम करता हूँ सेकेंड से लेके है ना, इसको यहाँ तक पे कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको नॉर्मल करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे आके मैंने किया इसको, सॉरी कॉपी नहीं हुआ प्रॉपर, एक्चुअली हम लोग वापस से वही करेंगे। ये हम लोग ने किया कॉपी इसको, और पैराग्राफ के आगे के पेस्ट। ठीक है, पेस्ट के बाद हम लोग नॉर्मली इसके आगे जो पैराग्राफ का टैग है उसको स्लैश डाल के P और क्लोज कर लेंगे। और HTML जो हम लोग ने जो क्लोज किया है उसके जस्ट हम लोग ऊपर को डालना, हमारे को डालना है बॉडी। ठीक है, तो फाइल में पहले ही बना चुका हूँ, तो मेरे को इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। तो नॉर्मली हम लोग को क्या लेना है, फर्स्ट की ये फाइल। ठीक है, तो मैं जैसे ही फर्स्ट पर जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं सेकेंड से लेके जो हमारी जो है फाइल है वो हमारी बन के आई है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आप लोग को बता दूँ जैसे कि कोड में आके कि टाइटल क्या है, हिज ने दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। जैसे मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्सर आ रहा है इस तरह लिख के आ रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। जो भी हम लोग चेंज टाइटल डाल के अगर करेंगे तो ये आएगा, विदाउट टाइटल के आपको एरर आएगा। अगर आप लोगों को अगर ये एकदम छोटा दिख रहा है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि H1 टैग हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, H1, और हम लोग को इसको क्लोज भी करना है, तो P के बाजू में नॉर्मली डालेंगे। H1 को क्लोज कर दिया हमने, कंट्रोल S मारे और हम लोग ने आके इसको कर दिया क्लोज। तो अभी आप लोग देखोगे ये कैसा हो गया। ठीक है, तो ये सब ही कुछ मैं आप लोग के बताने वाला था। और अगर आप लोग को कॉपी पेस्ट का इसलिए मैंने बताया था ताकि आप लोग को अच्छे से समझे। अगर आप लोग को और भी कुछ अच्छे से समझना है तो मैं इधर एक H2 क्या करता हूँ ना, अभी हम लोग H1 ने देखे ना, सिर्फ पैराग्राफ देखते P लिए, मैं लिखा इधर असील अपर मप्पा इज अ यूट्यूबर। ठीक है, फिर मैंने डाल दिया डॉट, फिर हम लोग लेते हैं उसके आगे असील मप्पा फ्रॉम कलवा थाने। ठीक है, इतना मैंने लिखा और इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में किए, और पैराग्राफ का हम लोग करते हैं टाइटल बन, और हम लोग ने इतना किया। अब यहाँ पे आके देखेंगे आप लोग, तो देखो ये आ गया हमारा लाइन। अगर इसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे दे देंगे H2, इसको बंद किए, और यहाँ पे आके भी हम लोग ने डाले H2, ये भी हो गया हमारा क्लोज। तो देखो अभी इसकी साइज़ क्या आएंगी। ठीक है, यही कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। सो होप गाइस आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के सेकंड टाइप जो हम लोग का पैराग्राफ है पार्ट 2, ये भी अगर आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इसके और भी अच्छे से अच्छे वीडियो अभी आने वाले और आगे, जिसमें मैं आप लोगों को HTML के साथ CSS और JavaScript सब सिखाऊंगा। बट HTML जो बेसिक जो सीखना है वो पहले सीख लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।